डिप्थेराइनम होम्योपैथिक एंटीटॉक्सिन, इट इज़ अ नो सोड स्पेशली अडाप्टेड टू द स्ट्रूमस डायथिसिस। डिप्थेराइनम ऐसे पर्सन्स को अडाप्टेड होती है जिनमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग होने की टेंडेंसी हो, स्क्रोफुलस, सोरिक और ट्यूबरकुलर पर्सन्स। स्क्रोफुलस माने जो ट्यूबरकुलर हैं या रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस, सोरिक जिनमें सोरा है बैकग्राउंड में जिसमें सिर्फ इरिटेशन होता है या स्किन इन्फ्लामेशन या फंक्शनल चेंजेस आते हैं, और ट्यूबरकुलर पर्सन्स, ट्यूबरकुलस पर्सन्स जिनमें ट्यूबरकुलोसिस होने की टेंडेंसी हो, प्रोन टू कैटरल एफेक्शंस ऑफ थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनमें थ्रोट में जो है वह इन्फ्लामेशन होने की टेंडेंसी हो या रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लामेशन होने की टेंडेंसी रहती हो। पेशेंट्स विद वीक और एग्जॉस्टेड वाइटलिटी, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत वीक हैं, जिनका वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, इम्यून सिस्टम वीक है, हेंस आर एक्सट्रीमली ससेप्टेबल टू द डिप्थेरेटिक वायरस, इसलिए ये डिप्थेरेटिक वायरस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। वेन द अटैक फ्रॉम द ऑनसेट टेंड्स टू मेलिग्नेंसी, जब डिप्थीरिया होता है और वो मेलिग्नेंट होने लगता है यानी फैलने लग जाता है, लैक कैनाइनम और मर्क साइनेटम में भी ऐसा देखने को मिलता है। पेनलेस डिप्थीरिया, डिप्थीरिया क्या है, एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो जनरली म्यूकस मेम्ब्रेन्स को अफेक्ट करता है, नोज़ की, थ्रोट की, तो पेनलेस डिप्थीरिया देखने को मिलता है यहाँ पे। सिम्टम्स आलमोस्ट और इंटायरली ऑब्जेक्टिव, सिम्टम्स जो है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होते हैं यानी जो फिजिशियन है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। पेशेंट कुछ बताता नहीं है, नथिंग इज सब्जेक्टिव, पेशेंट एक्सप्लेन नहीं करता है, क्यों, बिकॉज द पेशेंट इज़ टू वीक, एपैथेटिक और टू प्रोस्ट्रेटेड टू कंप्लेन, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। एपैथेटिक का मतलब ही इज़ लैकिंग इंटरेस्ट और डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी थिंग, नो डिज़ायर टू एक्ट, और टू प्रोस्ट्रेटेड टू कंप्लेन, या फिर इतना ज़्यादा वीक है कि वो बता नहीं सकता, वो कंप्लेन नहीं कर सकता। सोपर और स्ट्यूपर, सोपर और स्ट्यूपर मीन्स बींग इन ए डीप स्लीप, सो जाता है, बट ईजिली अराउज वेन स्पोकन टू, लेकिन जब कोई बात करता है उसे पूछता है तो वो जल्दी से अराउज हो जाता है, उठ जाता है, ऐसा बैप्टीसिया और सल्फर में भी देखने को मिलता है। डार्क रेड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स एंड पैलेटाइन आर्चेज, डार्क रेड स्वेलिंग हो जाती है टॉन्सिल्स में या पैलेटाइन आर्चेज में। पैरोटिड एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स ग्रेटली स्वेलिन, जो पैरोटिड है, सर्वाइकल ग्लैंड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। ब्रेथ एंड डिस्चार्जेस फ्रॉम थ्रोट, नोज एंड माउथ वेरी ऑफेंसिव, जो सांस है या जो डिस्चार्जेस हैं थ्रोट से, नोज से, माउथ से, ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। टंग स्वेलिन वेरी रेड लिटिल कोटिंग, टंग जो है वो कैसी होती है, स्वेलिन होती है, फूल जाती है, बहुत ज़्यादा रेड होती है, इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग पाई जाती है। डिप्थेराइटिक मेम्ब्रेन, डिप्थेराइटिक मेम्ब्रेन जो फॉर्म होती है आपकी टॉन्सिल्स पे या थ्रोट में, वो कैसी होती है, थिक होती है, डार्क ग्रे होती है या फिर ब्राउनिश ब्लैक होती है। टेम्परेचर लो होता है, सब नॉर्मल यानी नॉर्मल से कम हो जाता है, पल्स वीक होती है एंड रैपिड। एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड एंड मार्क डेबिलिटी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है। पेशेंट लाइज इन अ सेमी स्टूपिड कंडीशन, पेशेंट जो है वो सेमी स्टूपिड कहने का मतलब सेमी अनकॉन्शियस कंडीशन में पाया जाता है। आईज़ डल, आईज़ जो है कैसी होती हैं, डल होती हैं, बी सॉटेड माने ऐसा लगता है जैसे पर्सन जो है वो ड्रंक है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, ऐसा एपिस और बैप्टीशिया में भी देखने को मिलता है। एपिस्टैक्सिस और प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन फ्रॉम वेरी ऑनसेट ऑफ अटैक, जैसे ही अटैक होता है यानी डिप्थीरिया होने की टेंडेंसी आती है, वैसे ही या तो नोज ब्लीडिंग होती है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, ऐसा एलियम में, एपिस में और कार्बोलिक एसिड में देखने को मिलता है। कोलैप्स ऑलमोस्ट एट वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर जाता है, ऐसा क्रोटॉन में और मर्क साइनेटम में देखने को मिलता है। पल्स वीक, रैपिड एंड वाइटल रिएक्शन इज़ वेरी लो, पल्स कैसी होती है, वीक होती है, रैपिड होती है और वाइटल रिएक्शन बहुत ही लो होता है। स्वेलोज विदाउट पेन, मतलब स्वेलोइंग में कोई भी पेन नहीं होता है, बट फ्लूइड्स आर वॉमिटेड और रिटर्न्ड बाय द नोज, लेकिन जैसे ही फ्लूइड अंदर जाता है वो वॉमिट हो जाता है या नाक से बाहर आ जाता है। ब्रेथ हॉरिबली ऑफेंसिव, सांस लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी जो ब्रेथ है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ऑफेंसिव होती है। लेरिंजियल डिप्थीरिया, ऐसा डिप्थीरिया जिसमें लेरिंग्स इन्वॉल्व हो गया हो,
आफ्टर क्लोरोफॉर्म काली बाइक्रोम एंड लैककाइनम फेल. डिप्थेराइनम लेरिंजियल डिप्थीरिया में इंडिकेटेड होती है जब क्लोरोफॉर्म काली बाइक्रोम और लैककाइनम फेल हो जाता है. पोस्ट डिप्थराइटिक पैरालिसिस या डिप्थीरिया के बाद होने वाली पैरालिसिस में आफ्टर कॉस्टिकम जेलसीमियम फेल. जब जेलसीमियम और कॉस्टिकम फेल हो जाता है देन डिप्थेराइनम इज इंडिकेटेड. व्हेन द पेशेंट फ्रॉम द फर्स्ट सीम डूम्ड. जब पेशेंट पहली रेमेडी देने से पहली बार मेडिसिन देने से उसको ऐसा लगता है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट, ही हैज़ बैड लक, ही इज़ इल-फेटेड, वो रिकवर नहीं कर पाता है एंड मोस्ट केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडीज़ फेल टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव. जब बहुत केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडीज़ भी पेशेंट को रिलीव नहीं कर पाती, पेशेंट को परमानेंटली इम्प्रूव नहीं कर पाती, देन डिप्थेराइनम इज इंडिकेटेड. नोट: The above are cured symptoms and verifications which the author has found guiding and reliable for 25 years. ऊपर जो आपने सिम्टम्स पढ़े वो क्योर्ड सिम्टम्स हैं, वो वेरिफिकेशंस हैं. ऑथर ने इनको बहुत गाइडिंग और रिलायबल पाया, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एक तरीके से. द रेमेडी इज़ प्रिपेयर्ड लाइक ऑल नोसोड्स एंड एनिमल पॉइजन्स. जो डिप्थेराइनम रेमेडी है वो बाकी सारे नोसोड्स या एनिमल पॉइजन्स के जैसे ही प्रिपेयर करी जाती है अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक फार्माकोपिया. होम्योपैथिक फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए एंड लाइक ऑल होम्योपैथिक रेमेडीज इज़ इंटायरली सेफ व्हेन गिवन द सिक. और बाकी सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ की तरह डिप्थेराइनम भी पूरी तरीके से सेफ है जब सिक पर्सन को दी जाती है. लाइक ऑल द नोसोड्स इट इज़ प्रैक्टिकली वर्थलेस इन पोटेंसिस बिलो द 30th. बाकी सभी नोसोड्स की तरह अगर 30 पोटेंसी से नीचे में इसको देते हैं तो ये प्रैक्टिकली वर्थलेस हो जाता है, मतलब इसको देने से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाला है. इट्स क्यूरेटिव वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ पोटेंसी फ्रॉम द 200 टू द मिलीसिमल एंड सेंटी मिलीसिमल. तो इसका जो क्यूरेटिव वैल्यू है वो हाई पोटेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप 200 से मिलीसिमल या सेंटी मिलीसिमल पोटेंसी की तरफ बढ़ते हैं. इट नीड नॉट एंड शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली. डिप्थेराइनम या कोई भी नोसोड जो है वो रिपीट नहीं किया जाना चाहिए. स्पेशली डिप्थेराइनम के लिए लिखा गया इट नीड नॉट एंड शुड नॉट बी रिपीटेड टू फ्रीक्वेंटली. इसको रिपीट नहीं करना है और रिपीट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट विल क्योर इन एवरी केस दैट क्रूड एंटीटॉक्सिन विल. ये हर एक केस को ठीक करेगा जैसे क्रूड एंटीटॉक्सिन करता है एंड इज नॉट ओनली इजी टू एडमिनिस्टर बट सेफ एंड इंटायरली फ्री फ्रॉम डेंजरस सीक्वेल. और इसको एडमिनिस्टर करना आसान ही नहीं है बल्कि सेफ भी है और पूरी तरीके से जो डेंजरस सीक्वेल है, सीक्वेल मतलब पुरानी बीमारी का फिर से आ जाना, रिपीटिशन हो जाना या कंसिक्वेंसेस जो प्रीवियस डिजीज की वजह से आते हैं उससे ये पूरी तरीके से सेफ होता है, फ्री होता है. बिसाइड्स इट इज़ होम्योपैथिक. बट एक कंडीशन है छोटी सी कि होम्योपैथिक होना चाहिए. होम्योपैथिक कहने का मतलब क्या है? होम्योपैथिक मीन्स विच टेंड्स टू प्रोड्यूस सिमिलर सफरिंग. जो सिमिलर सफरिंग प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता हो, होम्योपैथिक तरीके से बनाया गया हो, होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो. द ऑथर हैज़ यूज इट फॉर 25 ईयर्स एज ए प्रोफाइलैक्टिक एंड हैज़ नेवर नोन अ सेकेंड केस ऑफ डिप्थीरिया टू अकर इन अ फैमिली आफ्टर इट हैड बीन एडमिनिस्टर्ड. ऑथर ने इसको 25 ईयर्स तक प्रोफाइलैक्टिक के रूप में, प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में यूज़ किया और कभी भी दूसरा डिप्थीरिया का केस देखने को नहीं मिला पूरी की पूरी फैमिली में जब इसको एडमिनिस्टर किया गया. एंड द प्रोफेशन इज आस्क्ड टू पुट इट टू द टेस्ट एंड पब्लिश द फेलियर्स टू द वर्ल्ड. प्रोफेशन यानी फिजिशियन, डॉक्टर्स, उनको ये ऑथर का कहना है कि आप इस मेडिसिन को, आप इस रेमेडी को टेस्ट करो, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पेशेंट्स को दो और फेलियर्स को पब्लिश करो वर्ल्ड को, ताकि ये पता चल सके कि ये मेडिसिन जो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो कितना एक्यूरेट है. Thanks for watching. Like, share the video with your friends. Comment the topics you want me to explain and subscribe the channel for more videos on homeopathy.